सभी भाइयों को हन्नी पंडित पंडित डेयरी फार्म करना हरियाणा की तरफ से नमस्कार। आज हमारे पास हमारे बड़े भाई आए हुए हैं फौजी भाई, जो कि हिमाचल प्रदेश से है। इन्होंने हमारे पास से 5 मुर्रा का पशुधन और 2 क्रॉस ब्रीड गाय इन्होंने हमारे पास से परचेज करी है। भैया ने डेयरी फार्म स्टार्ट किया है, तो पिछले 3-4 महीने से भैया हमारे टच में थे, तो भैया उसके कैसे इनका एक्सपीरियंस रहा, क्या कुछ रहा? भाई मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैं फर्स्ट टाइम तो छोटे भाई हनी से जुड़ा हूँ। इनके में तो मोल भाव मैं यूट्यूब पे सबके चैनलों को देखता हूँ, तो वहाँ पे हरियाणा की जितने भी पशुधन बिकता है उसका रेट सेल क्या चला पता चलता है। लेकिन मेरे को सबसे वाजिब रेट जो अपने छोटे के लगे हैं, जिनके फर्म पे आके मैंने ये अपने पशु खरीदे हैं, 5 की गाय हैं। इनके यहाँ रहने की सुविधा ठीक है, बात करने का तरीका ठीक है, और किसी भी बात और मैंने 2 टाइम मिल्किंग की हुई है इनकी, जो इन्होंने दूध बताया उससे ज़्यादा के जी बातें बाद में होती रहेंगी हमारी यानी के साथ। अभी तो इनके साथ एक रिश्ता जुड़ा है नया नया, देखते हैं कितना कायम रहता है, ये तो हम दोनों के ऊपर ही डिपेंड करेगा रिश्ते का। नहीं है नहीं बिल्कुल। तो सबसे पहले हम अपने जो भी व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहेंगे, जो आप भी अगर हमारे फार्म पे आना चाहते हो तो यहाँ पे आपको प्रॉपर मौका मिलेगा सिलेक्शन करने का। आप 2-3 टाइम कहीं से भी भैंस खरीद रहे हो, 2-3 टाइम अपनी दूध निकाल के भैंस खरीदो, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद इन पशुओं का कोई मालिक नहीं बनता, ठीक है ना। तो जहाँ से भी दे रहे हो तो अपना पूरी फिर लो, पैसे दे रहे हो पट्टा ओनर कोई नहीं देता। बिल्कुल भैया भैंस, तो हम आपको ये पहले फौजी भाई से पूछते हैं इनकी मनपसंद भैंस है। फौजी भाई कितना क्या कुछ दूध है इसमें हाल फिलहाल? हाल फिलहाल मौके ऊपर मैंने बाकी मेरी किस्मत अभी कहाँ जाएगी, लेकिन जो मैंने आंखों में देख लिया 18+। तो ये जो उनकी भैंस है अपना सेकंड लैक्टेशन की भैंस है, और बात करी जाए तो ये भैंस हमने 175,000 की सेल कर ली। 12 लीटर दूध भैंस के नीचे तैयार है, सुबह 5:30-6 बजे का मिलती है। इधर आ जा शाबाश। ऑर्डर भैया देखने का इसका छोटा है, पर जिस टाइम दूध निकालती है ना बड़ी सी बड़ी बाल्टी की ऐसी तैसी कर देती है, ठीक। तो फौजी भाई जो इसका रेट है जो हमने आपको वीडियो में नहीं सही रेट बोला आपने, उसी रेट में थी। इसके बाद से ये नगीना तो सब इसको के बोल रहा है भैया नीचे बोलने को छी से खाली कीमत की बात करी जाए ये झोटी हमने फौजी साहब को 155,000 की दी है। बाकी गर्मी का मौसम है, 1-2 लीटर दूध पशु कम चल रहे हैं, लेकिन इस टाइम जाएगी तो एक लगभग ये लगा के चलो 16 लीटर 15-16 लीटर दूध की पूरी उम्मीद है जो हमारी भी और फौजी भाई की भी। इसके बाद हमने इनको फौजी भाई को दिया है। इसके नीचे भी खीस से खाली होती 11 लीटर के आसपास खीस तैयार है, खीस होगी अभी इसके लिए। और मीडियम पशु है, ज्यादा बड़ा हाई जा रही है, मीडियम कद का पशु है ये, हमने सेल करी है 1,15,000 की। दूध ये भी 14 लीटर खुला निकाल लेगी झोटी, साफ सुथरा पशु बना है, अभी आज का पुराना पशु नहीं। और ये देख सकते हो बिल्कुल पतली चमड़ी की है, 14 लीटर दूध अभी तैयार है, 1,30,000 की जो फौजी भाई को भारत से दिलाई है, जो की फौजी साहब इसके साथ मिलकाफ है। और ये देख सकते हो भैया बिल्कुल पतली चमड़ी, और सुबह 6:30-7 बजे झोटी का जी साहब ने अपनी आंखों से देखा था। बिल्कुल साफ सफाई की झोटी है, और
तो ये बोलना चाहेंगे भैया जो भी नया फार्म कुछ लोग है जिनको भैंसों की नॉलेज नहीं है वो लोग कमेंट के नीचे लिखते भी है कि भाई भैंसों का रेट ज्यादा हो गया ऐसे हो गया वैसे हो गया पर देखो जो भी बहुत फोन कॉल्स आती है कि भैंसों का रेट कब कम होगा चाहेंगे जो खराब उसकी तो कीमत चाहे आप आज ले लो चाहे उसको बरसात में ले लो उसका तो कीमत वही रहने वाला है और जो भैंस कट्टू भैंस है 8 लीटर 10 लीटर वाली उसको कभी मर्जी ले लो उसका मंदा ही मंदा है ठीक है की जोटी इस जोटी के नीचे भी अभी 12 लीटर दूध की आ रहा है शीशे खाली जाए ये जोटी भी 15 लीटर 14 लीटर लीटर इतना दूध की पूरी वो बदला हुआ है गर्मी का मौसम है थोड़ा सा और बिल्कुल पतली कमरी की दूध की दूध की परचेज करी है क्रॉस ब्रीड की ये जो करके चार दांत मूसे और 7 वेज के बच्चे है ये जोड़ा हमने फौजी साहब को दिया 1,30,000 का और 15-16 लीटर दूध खुला निकालते बिल्कुल आराम से बिल्कुल साफ सवाल ये देखो हाथ पैर से पूछ पा हमारी वीडियो को देख रहे हैं आप हमारे फार्म पे एनी टाइम आ सकते हो अच्छे से अच्छा पशु आपको जायज से जायज भाव में हम दिलवा के देंगे फौजी साहब है फौजी साहब के बाद ले लो जिसको भी आना हो कभी भी आओ जैसे मैं आया फोन पे टच थे बात की इनसे उस हिसाब से मैंने दूध पाया और मेरी मन बताया तो वो मेरे को पूरा मिला